हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्रेयान सोनी चैनल। आज की सुबह का नज़ारा कुछ इस तरीका है। थोड़ी थोड़ी सी ठंडक होने लगी है और मुझे आज काफ़ी काम था, इसलिए मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गई थी। और देखिए आज मैंने क्या आप लोग देख के पहचान ही गए होंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। यदि नहीं पहचाने हैं तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने कद्दू, लौकी, दाल और हल्दी नमक डाल के बॉईल करने रख दिया है सांभर की तैयारी के लिए। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बैटर रेडी होके आया है। मैंने कल रात को ही दाल और चावल को पीस के धो के पीस के उसको रख दिया था एक बर्तन में, तो सुबह देखा तो काफ़ी अच्छा खमीर, जिसे बैटर बोलते हैं, वो रेडी हो गया। अब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को इडली बनाना आती होगी, बट यदि जिनको नहीं आती है और बनाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बैटर को काफ़ी अच्छे तरीके से मिला लिया है कि मेरी इडली जो है वो काफ़ी सॉफ्ट आए। और आज मैं किस तरीके से इडली और सांभर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग इसको वॉच करिए, आप लोग देखिए मेरी इडली और सांभर आज किस तरीके से रेडी हो रहा है। मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने रख दिया था और साइड में सांभर की तैयारी हो रही है। अब ये जो बैटर था उसमें थोड़ा सा मैं नमक मिला रही हूँ। अपने स्वाद अनुसार आप लोग नमक मिलाइएगा। मैंने इतना बैटर लिया है क्योंकि मैं अभी वन टाइम के लिए इडली बना रही हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक लेके उसको काफ़ी अच्छे से मिलाया है, जिससे नमक प्रॉपर बैटर में मिल जाए। और उसके बाद मैंने अभी यहाँ पर सांचा होता है जो इडली का, मैंने उसमें रखना स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहले ऑयल लगाया है सांचे पर और उसके बाद मैं जो इडली का बैटर है वो रख रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर पकाने के लिए इडली रख दूँगी, तो आप देखिएगा कितनी अच्छे से रेडी होती है। इडली के साथ चटनी ना हो तो उसका मज़ा ही क्या, तो मैं यहाँ पे चटनी की बघार लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने तेल में थोड़ा सा राई, मीठी नीम और एक मिर्ची डाली है और उसको थोड़ा सा कड़ा कर लिया है। उसके बाद मैं अब चटनी में डालूँगी, बघार लगाऊँगी उसकी। तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? वाह, अरे वाह यार, ओपन कर दूं? हाँ। शेल तो डालने दो, थैंक यू बोलो मौसा जी को। मौसा जी ने दी है, बोलो थैंक यू। अच्छा,
यहाँ मैं अपने पलंग की दीवान से कुछ सामान निकाल रही हूँ। कुछ ज़रूरत का सामान था जिसको मैं निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी जो गद्दा है वो काफ़ी हैवी है, मुझसे अकेले नहीं उठता है। और देखिए आज मैंने किस तरीके से आज काम किया यहाँ पे। ये इस हमें एक तो ये पूछना है 2500 हाँ उतना ही का 3000 रुपए तक का। आप लोग ने देखा ही होगा कि मेरे बेटे को कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट मिला है जो उसके बर्थडे का है, उसके मौसा जी ने उसको दिया है। तो यहाँ पे मौसा जी के गिफ्ट को वो अनपैक कर रहा था, उसके बाद वो देख के काफ़ी खुश हुआ। और आज पूरी उसके पास जितनी कार थी छोटी छोटी उसका सभी का कलेक्शन उसने अपने हॉल पे सेट कर दिया था। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उसका इस ये वाली कौन सी है? नहीं मैंगो वाला नहीं। ये लो। आपको कौन सा चाहिए? कहाँ ना मैं पीती हूँ ना मुझसे बनता है। स्ट्रॉ से पीना है, ऐसा नहीं पीना। क्यों? हाँ चलो पकड़ने से अभी से ये शौक है बड़े में, पता नहीं जाने क्या करना। चलो हाँ
वो सुनो ना, स्केल का वो निकाल दो, नहीं तो उस सब काम करने के बाद हम लोग शाम को निकल चुके थे मार्केट, क्योंकि मार्केट से हम लोगों को कुछ परचेसिंग करनी थी और कुछ बहुत ज़रूरी काम था। वो काम क्या है बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। तो मार्केट से जब रिटर्न आ रहे थे तो मेरे बेटे को कोल्ड ड्रिंक मिली, और आप लोगों ने देखा ही होगा वो कोल्ड ड्रिंक को किस तरीके से ओपन करवा रहा था। उसे कोल्ड ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अब वो पी रहा है यहाँ पर लस्सी। कार में वो अपनी सभी कारें लेके चलता है, उसको कार का काफ़ी ज़्यादा शौक है। बट अब कार का क्रेज़ थोड़ा सा कम होता जा रहा है और उसे नई चीज़ों का क्रेज़ उसका बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग ने मेरे बेटे की मस्ती तो देखी होगी। शॉपिंग गंदा नहीं करना, हाँ नहीं पीना, अभी बैठना नहीं वहाँ, गंदा हो जाएगा पूरा। यहाँ माँ की गोदी में बैठो, यहाँ बैठो, मेरा कार अभी रखा है, अब सब कुछ गंदा। लोग अपना काम करके जो मार्केटिंग और जो इम्पोर्टेंट काम के लिए गए थे वो करने के बाद हम लोग अब लौट रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा जो काम था वो पेंडिंग चल रहा था और यहाँ पे बेटा खा रहा है समोसा। तो काम करने के बाद हम लोग घर गए। आज का दिन हम लोगों को कुछ इस तरीके से बिजी शेड्यूल की तरह निकला है जैसे डेली रहता है, और यहाँ हो चुकी थी शाम क्योंकि मार्केट से आते आते शाम हो गई थी। तो आज का दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, बेटे की मस्ती भी शेयर की है। यदि आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग।